फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग आए हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये है सोनाली मैम। तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ताकि मतलब देख लें अंदर बाहर के कहाँ पर बैठना है। लेकिन हम लोगों ने अंदर बैठना है और हम लोगों ने तब तक कुछ ऑर्डर भी कर दिया है। फिर हमने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए यहाँ पर, ताकि आपको भी बताया जाए कि यहाँ का कैफे कैसा है। तो अभी हम यहाँ पर बाहर पे हैं और हम कुछ फोटोज खींचते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। चलो तो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश से। सबके जितने भी स्टाफ मेंबर हैं यहाँ पर, तो ये हैं सोनाली मैम और ये हैं रेखा मैम। रेखा मैम हमारे साथ जा नहीं रही हैं क्योंकि इनके घर में कोई बेबी हुआ है ना, इस वजह से हमारे साथ नहीं आ रही। तो मैं इनको ये बोली थी चलो आपको किसी और दिन पार्टी देंगे, लेकिन हम लोग तब तक इन्जॉय करते हैं। और हम लोग आ जा रहे हैं थानो साइड एक कैफ़े को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको भी बताएंगे कि वहाँ का कैफ़े कैसा है और मेरा बर्थडे कैसे गया है। तो आप व्लॉग में बने रहना गाइस। तो अभी हम लोग ना अपनी गाड़ी हम लोगों ने लैब में पार्क कर दी थी। उसके बाद ये हैं राहुल सर, ये हैं अनीश, ये हैं अनमोल सर। तो सबको मिलवा के अब हम चलते हैं एकदम गाड़ी में। हमने ना गाने गुने लगा लगा के ना मस्त जा रहे थे। और यहाँ पर ना मैडम देख रही थी कि हमारा केक इधर उधर ना जाए। फिर कहती अरे ये ना पढ़ना का पर्स है, आज तो पूरा खाली करके भेजेंगे इसको सारा का सारा। फिर यहाँ पर हमने मैम को देहरादून रोड पर छोड़ दिया था। और फिर मैम बोली थी अरे जाओ जाओ पार्टी करो तुम लोग। फिर हम यहाँ पर ना गाने सुनते सुनते मस्त जा रहे थे। अनीश पीछे बैठ गया था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं थानो रोड में, एक है डिस्क कैफ़े। डिस्क कैफ़े मनोरमा कैफ़े के जस्ट सामने ही है। ये ना एक फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का है। तो यहाँ पर सर और उतर गए थे गाड़ी से, और अनीश ना अपनी बहन का यानी कि मैम का फ़ोटोशूट कर रहा था। तो चलो चलते हैं और इस कैफ़े को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा है ये कैफ़े। So, आज हम यहाँ आए हैं डिस्क रिसोर्ट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये थानो रोड पे पड़ता है, थानो रोड से काफ़ी ज़्यादा आगे। तो चलो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। ये तो ये हैं अनमोल सर, ये है राहुल सर, ये है कौन आप? ये राधे मैम, ये उनका भाई। चलो गाइस, इस कैफ़े में जाने के लिए ना दो रास्ते थे, एक तो फ्रंट से था और एक यहाँ पीछे से था। और यहाँ का कैफ़े ना मतलब आप मान के चलो एक ना वेडिंग पर्पज़ भी था। मतलब अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से फैमिली के साथ एंजॉय करना है तो ये कैफ़े बड़ा ज़बरदस्त था। और आप देख सकते हो ना यहाँ पर ना बहुत सारे डॉग्स पाल रखे थे इन्होंने, कैट्स पाल रखी थी इन्होंने। तो यहाँ का जो ओनर था ना ये बताया था एक जर्मन शेफर्ड था, एक पाकिस्तानी कुत्ता था, इसमें एक लैब्रा था और एक पता नहीं कौन सा था। लेकिन बहुत सारे कुत्ते थे यहाँ पर, इन्होंने ना बहुत सारे पेट्स पाले हुए हैं यहाँ पर, सबसे अच्छी बात ये थी। तो ये था कुछ इस तरह से कैफ़े। तो ये पूरा पीछे का एरिया था जहाँ पर आप बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद ना कुछ ऐसा था यहाँ पर बैठने का, तो हमने मैम को बोला मैम आप पहले केक साइड रख दो, पता चला केक भी गया और अब भी लुढ़क गए। तो उसके बाद आप देख सकते हो फिर यहाँ ना छोटे छोटे कॉटेज टाइप के बने हुए थे। तो यहाँ पर ना जैसे कपल्स के लिए है, मतलब उनको पर्सनली टाइम स्पेंड करना है, तो उनके लिए छोटे छोटे कॉटेज टाइप के बने हुए थे। और ये कुछ इस तरीके से था यहाँ का व्यू। उसके बाद ये था फ्रंट व्यू जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रंट व्यू बहुत ही सुंदर था यहाँ का। ये तो एक फैमिली रेस्टोरेंट है, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट मतलब आपको थानो रोड में मिलेगा, मतलब बहुत आगे, थानो रोड से काफ़ी ज़्यादा आगे आके। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना राधे में मेरा शूट करी थी। तो ये था यहाँ पर रिसेप्शन। रिसेप्शन के जस्ट सामने पे सिटिंग एरिया भी था, यहाँ पर भी सिटिंग एरिया था। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों को कहाँ बैठने कहाँ नहीं। तो यहाँ पर ना आपका फैमिली बड़े आराम से आ सकती है, यहाँ पर 10-12 लोग बड़े आराम से आ सकते हैं यहाँ पर। उस तरीके का ये रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पर ना इतने सारे बतख थे ना, बहुत सारे खड़े हुए। गाइज मैडम ना ऋषिकेश से आते आते थक गई हैं, तो यहाँ पर झूले में रेस्ट कर रही हूँ मस्त करके। और आप ना यहाँ पर देखो इतने ये ना बतख ने ना राहुल सर को डरा दिया खतरनाक वाला। क्वैक क्वैक करके इतनी ज़ोर से भाग के आया ना ये, पर काटा नहीं इन्होंने। फिर इसका ओनर बोल रहा था इनको ना डराना पड़ता है जरा। तो सबके सब हंसने लग गए यहाँ पर खतरनाक वाला। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर देखने के लिए, क्योंकि बाहर हो रही है थोड़ी सी गर्मी। तो हम पहले अंदर देख के आते हैं कि अंदर कैसा है, अगर हमें अंदर सही लगा तो हम लोग अंदर बैठेंगे। आपको बहुत सारे बत्तख कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं यहाँ पर। हाँ
यहीं ठीक है, यहीं ठीक है। तो ये है मस्त अंदर का, तो हम सोच रहे हैं यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठ के कुछ ऑर्डर्स वगैरह करते हैं। चलो यहाँ का डिस्क पिज्जा अच्छा था, और एक हमने क्या किया था, गार्लिक चीज पिज्जा, जो कि दोनों बढ़िया खाने में जाना। अब हम नूडल्स देखते हैं क्या करते हैं। बाते तू मी वाह वाह एपी एपी अपू के बिन पैंदे के लोटे हैप्पी बर्थडे अपू डॉली की चाय पिज़्ज़ा खाओ पिज़्ज़ा अभी हमने खाया पिज्जा, अब हमारे यहाँ गए नूडल्स। तो अभी लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। इट्स वेरी वेरी टफ। क्या कह रहे हो आप, बोलो गाइस। हमारा ये क्या है, पनीर, पनीर पनीर पसंद ना, पनीर मसाला डिस्क स्पेशल पनीर। ये देखो यहाँ देखो, अरे रखो यार। तो गाइस अभी हम लोगों ने खाना खा लिया, अभी थोड़ा सा टहले यहाँ का, मस्त व्यू चेक किया, एकदम मस्त जबरदस्त है, खाना भी बहुत टेस्टी था। तो अभी अब तैयारी कर रहे हैं हम केक काटने की, तो केक काटेंगे शायद हम यहाँ ऊपर या तो नीचे। ऊपर ठीक है, ऊपर। कैसा लगा खाना, हम तेरा केक काटेंगे। केक। तो गाइस फिर हम लोगों ने यहाँ पर ना स्नूकर था, तो स्नूकर ट्राई किया, तो यहाँ पर सर और सबके सब ट्राई कर रहे थे एक एक हाथ। तो मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं, वैसे खेलना तो मुझे भी नहीं आता, पर मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या बुराई है। तो आप लोग मुझे बताना आपको स्नूकर खेलना आता है क्या। खैर बॉयज़ को तो आता होगा, गर्ल्स तो बहुत कम खेलती है, बट मैंने ट्राई किया। उसके बाद हम इसी के ऊपर पे था एक सिटिंग एरिया जो कि बहुत ज़बरदस्त था, वहाँ से व्यू इतना सही दिख रहा था ना, तो हम लोगों ने वहाँ पर प्रेफर किया कि हम लोग वहाँ केक काटेंगे। तो चलो चलते हैं केक काटने। यहाँ से कुछ इस तरह से दिख रहा है गाइस, और शाम का व्यू तो बहुत मस्त है एकदम। चलो अभी ऊपर चलते हैं। ये बिल्ली कहाँ से आ रही है, बिल्ली अरे यहाँ से व्यू बड़ा मस्त दिख रहा है। तो ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, अरे यहाँ पर व्यू इतना सही दिख रहा है ना। वैली वैली चलो लाओ दो, लो लाओ इसमें रखो, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Aparna, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bandar, happy birthday dear Appu Bandar, happy birthday to you। So guys हमने अपनी पार्टी कर दी है मस्त, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो चले चलते हैं, फिर देखते हैं घर पे क्या क्या होने वाला है। चलो 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 चलो, कैसा गया आपका दिन? Awesome। कैसा रहा पार्टी सर? बहुत बढ़िया।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय गाइस।